सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है। माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर पहले भी अखिलेश योगी सरकार पर कई सवाल उठा चुके हैं। अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी के जनाजे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर शायराना अंदाज में तंज कस दिया है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं, नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी तक पर एतराज है, न भूल तू ये हुक्मरान, कयामत तक न हुआ किसी का राज है। दरअसल गाजीपुर के जिस कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया, वो अंसारी परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। वहीं पर मुख्तार अंसारी के पिता और दादा भी दफन हैं। लिहाजा इस बात का अंदाजा पहले से था कि बड़ी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होंगे, और ऐसा हुआ भी। मुख्तार को आखिरी मिट्टी देने बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस भीड़ को संभालने के लिए। यहां तक कि इस भीड़ को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जिले की डीएम आर्या अखौनी के साथ नोकझोंक भी हो गई। यहां डीएम का कहना था कि जिले में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में निश्चित संख्या में ही लोग अंदर जाएंगे, मगर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप किसी को मिट्टी देने से नहीं रोक सकती। कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहां के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेता। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। अब अफजाल अंसारी और डीएम के बीच हुई इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, और इसी वीडियो पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत वाले दिन भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और बीजेपी सरकार पर तंज कसा था। तब उन्होंने लिखा था, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व कर्तव्य होता है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। अब क्योंकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव अंसारी परिवार के पूरे समर्थन में उतर आए हैं। बता दें कि 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। वो 2005 से सजा काट रहा था। बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।